It's a day when we were waiting for it for very long, since my daughter Bhaktavar also has been educated. So for us, it's a special occasion as well. Mohtaram Atif Sahab, faculty members, successful candidates for this year's aspirant staff members. कुछ बातें तो मैं ज़्यादा करना चाहता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं करूँगा कि टाइम मैंने कल देश में इजाजत नहीं देता, लेकिन दो तीन बातें करना ज़रूरी समझता हूँ। जिसमें मैं हर साल ये 2009 से नहीं रहा, उससे भी इनके साथ और मैं हर साल एक बात कहता हूँ कि इट्स रियली अ डे फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स ने कुछ लेना देना नहीं, उन्होंने सिर्फ कामयाबी के बारे में सुनना और कुछ नेकनामी के बारे में सुनना। तो जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं या इंटरनेट पे जो कनेक्टेड हैं या जो बाद में सुनेंगे, या खुद मैं एज ए फादर जो देखता हूँ कि माँ बाप के लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और ख़ासतौर पर आजकल के दौर में माँ होना या बाप होना जो है, इट लाइक ब्रॉट लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ओइंग टू दिस टेक्नोलॉजी आईटी और दिस व्हाट्सएप और इंटरनेट, इससे बच्चों की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, मुनकसिम है जहनी तौर पर बच्चे आजकल। अब इन बच्चों को कैसे कंसंट्रेटेड रखें, कैसे उनको एक ट्रैक पे रखें, दैट्स द रियल टेस्ट केस फॉर द पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल काम है कि वो अपने बच्चों को जो है वो मोटिवेटेड रखें। और कुछ बच्चों ने मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी, मैंने नोट की सर। जो बहुत मुश्किल काम है वो ये है कि रियलाइजेशन जो सिर्फ एक दो लोगों ने कही, मैं नाम नहीं लेके सिंगल आउट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने लिखा हुआ है, वो ये है कि जिंदगी का मकसद क्या है। और जर्नी की बाज़ लोग समझते हैं कि शायद मंजिल मिल गई है, मंजिल नहीं मिली, ये पहला संगमील है, ये पहला कदम है। और बहुत से लोग, मुझे 25 साल हो गए इस काम में, बहुत से लोग भटक जाते हैं बेटे, मेरी दुआ है कि आप उन भटकने वालों में से ना हो। अफसोस की बात है कि बहुत से लोग आते हैं, मैंने देखा कि अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने दोस्तों को भूल जाते हैं, अपनी जुबान भूल जाते हैं, अपनी नस्ल भूल जाते हैं, अपने अबाव अजदाद भूल जाते हैं। मेरी अपनी बेटी के लिए भी और सब बच्चों के लिए दुआ है कि अल्लाह करे कि वो अपने ओरिजिन के साथ कनेक्टेड रहे और वो याद रखे कि हम कौन हैं। जो लोग ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, जिसको ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और मेरी जर्नी का मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है, क्या पावर है, करप्शन है, पैसा कमाना है, क्या प्रोटोकॉल एंजॉय करना है, क्या मैंने सिर्फ ताकत का नशा जो है। मेरी बेटी ने बड़ी अच्छी मुझे उसकी बात लगी कि सारी सर्विसेज जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, और मैं बिल्कुल इसको एंडोर्स करता हूँ कि सारी सर्विसेज जो हैं सिग्निफिकेंट हैं। अगर आप किसी एक को एक्सक्लूड कर दें, ये पाकिस्तान आज जिस तरह कोई चला रहा है, इसको पाकिस्तान की सिविल सर्विस के लोग चला रहे हैं। आपको पता है कि सिविल सर्विस की लिमिटेशंस, उससे मोहब्बत और नफरत अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान के में अभी भी कुछ परसेंटेज मौजूद है, कुछ तनासब मौजूद है, जो यहाँ पर बहुत कम पैसों में, बहुत कम मुआवजे में जो है इंतहाई ईमानदारी के साथ जो है वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। बेटे आएँ और उस कारवां का हिस्सा बने कि जो सही मानों में पाकिस्तानी है, जिनका बाहर कुछ नहीं है, जिनका कोई स्टेक नहीं है, और इन लोगों की खिदमत जो है वो हमारा मकसद होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। अच्छा, एक और अच्छी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ परमानेंट, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। बेटे जब कॉन्स्टेंट्स हैं, ये मेरे और आपके हाथ में नहीं है, रब के हाथ में। कॉन्स्टेंट ये कि ज़िंदगी कितनी होगी, मैंने रोल क्या परफॉर्म करना है, ये अल्लाह ने लिखा हुआ है, अल्लाह ने हमें सेलेक्ट किया है इसके लिए। मैं डीएच इन्वेस्टिगेशन था, सीसीपीओ पे कवर कर, मेरी किसी से लड़ाई होगी तो मुझे दुरानी साहब को अल्लाह बख्शे, तो उन्होंने मुझे थोड़े से गुस्से का इजहार किया नासिर दुरानी साहब ने,
और उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा, और मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने कहा बेटे बात यह है कि हम लोग अल्लाह की तरफ से चुने गए हैं, पसंद किए गए हैं, तो आप जो है इस चीज की रियलाइजेशन करें। मैं आपको इस सफर के आवाज पे ये बात शेयर करना चाहता हूँ, एक जहानीदा क्योंकि मेरी बात नहीं है, कि आप पसंद किए गए हैं, आपको सिलेक्ट किया गया है, और यकीन करें इसको कभी भी जहन में मत लाइएगा कि आप बहुत काबिल थे, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा था, आपने नस्क में पढ़ा था, आपने लम्स में पढ़ा था, आपने इंग्लैंड में पढ़ा था, और आपने अमरीका में पढ़ा था, और आपने चित्राल में पढ़ा था। अल्लाह ताला ने जो है वो आपको सिलेक्ट किया, ये आप, मैं ईमानदार, जो लोग हमें जानते हैं वो लोग तस्दीक करेंगे बेटे, ये इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें से सबसे बड़ा कमाल खुदा की जात का और उसके बाद आपके पेरेंट्स के, जिन्होंने आपको डायरेक्शन दी। आप देखें ना, ये जो भेड़ बकरियां होती है ना, इनके साथ चरवाहा ना होना तो ये भटक जाए। तो ये माँ बाप जो है ना, आजकल के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है। पास दो तीन स्टूडेंट्स ने कहा जिनके वालिदैन नहीं है, उन्होंने उनको कितना मिस किया, आप पूछे जरा उनसे, उनकी प्राइस पूछे। तो बेटे ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है जिंदगी में, ख्वाब बहुत जरूरी होते हैं, ख्वाब बहुत जरूरी है, अगर ख्वाब नहीं है तो मंजिल कैसे होगी। अच्छा, फिर ख्वाब को किस तरह हकीकत में कौन कन्वर्ट करेगा, उसके लिए जो है आपको रहनुमाई की जरूरत होती है। खुदा ने पैगंबरों को भी माँ बाप से पैदा किया, नबियों को भी माँ बाप से पैदा किया, खुदा ऐसे भी उनको नाजिल फरमा सकते थे, खुदा ने उनकी तरबियत का बंदोबस्त किया। मैं कहता हूँ ये बहुत कम प्राइस है, मुझे इनके साथ 2009 से वाबस्तगी है, और मैं देखता हूँ कि ये जो हर साल माशाल्लाह NOA का जो आतिफ साहब, क्योंकि मैं खास तौर पर जिक्र करूँगा इनके जो CEO हैं आपके आतिफ साहब, मैंने इनको इंतहाई अच्छा इंसान पाया। और हर साल मैं एक बात कहता हूँ कि जिस दिन आतिफ मेरी ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, जिस दिन आप बदल जाएंगे, समा भी बदल जाएगा, आप ऐसे रहेंगे, अल्लाह और मेहरबानियाँ करेंगे, और उस मेहरबानियों में हम सब हिस्सादार होंगे। अगर आप बदल गए तो ये मेहरबानियां भी शायद जो है मुंह ना मोड़ लें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इसी तरह मेहरबानियां करता रहे, और बहुत से लोग जो पसमानदा इलाकों से हैं, उनके माँ बाप को अंदाजा नहीं है कि उनके बच्चों को की सूरत में अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कितना बड़ा फजल किया। चर्चिल ने एक बात कही थी, वो शेयर करना चाहता हूँ बच्चों के साथ। जो बच्चे कामयाब हुए और जो कामयाबियों के निशानी है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि सम सर्वेंट्स, सम सिविल सर्वेंट्स आर नाइदर सर्वेंट्स, सर्वेंट्स नॉर सिविल। कुछ लोग, मैं कहता हूं कि आज इतना खराब दौर आ गया कि ये सम वाला जो है मंजर साहब, सम का लफ्ज मेरे ख्याल अगर सोमरो साहब निकाल लें तो मेरे ख्याल चर्चिल वाली बात जो है ना वो ज्यादा जो है वो साबित तस्वर होनी चाहिए। फिर एक और जगह चर्चिल कहते हैं, आफ्टर अ टाइम सिविल सर्वेंट्स टेंड टू बिकम नो लॉन्गर सर्वेंट्स एंड नो लॉन्गर सिविल। तो बेटे आपकी जो जर्नी है, आप इतने इनोसेंट हैं, मैं आपके पेंट कोट, आपकी टाई, आपका फैशन, आपकी सुर्खी पाउडर, आपका जेबाइश देख के तो मुझे ना थोड़ा सा तर्स भी आ गया कि पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान का प्रेस, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान में वेस्टेड इंटरेस्ट, पाकिस्तान के कब्जा ग्रुप आपके मुंतजर हैं कि कब आएंगे हम आपको गले से लगाएंगे, कि जब आप उनके मुफादात से टकराएंगे उस दिन पता लगेगा कि आप में से कौन सा आदमी जो है वो सितारा है और बाकी वो उन जैसे हैं। मेरी दुआ है कि आप वो लोग हो जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको चुना है। अभी तो आपका इम्तिहान शुरू होना है, जब आप सिविल सर्विसेज एकेडमी के बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होगा, आप यूटीशिप में जाएंगे, खास तौर पे DNG पुलिस वाले लोग, जो खास तौर पे जिनका वास्ता इस सोसाइटी के, ये दुनिया की पांचवी बड़ी पॉपुलेशन है जहाँ पे बात एक होगी और दूसरा जो है खासतौर पर बच्चियों के लिए बहुत बड़ा बेटे चैलेंज है। मेरा बच्चियों को एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह मैं अपनी बच्ची को कहता हूँ, बेटे अपने आप को कैरी करना सीखे। ये मुआशरा बहुत प्लेजर सीकिंग मुआशरा है, जालिम मुआशरा है। अपने आप को कैसे ग्रेसफुल तरीके से कैरी करना है, अपने आप को कैसे बात करनी है,
मैंने मेरी एक ही बेटी है, मैंने उसको हमेशा एक बात कही है, यहाँ बैठी होगी कहीं, मैंने उसको कहा कि बेटे मुझे पता न लगे मैं जिंदा हूं मरा हूं, एक बात याद रखना, किसी को ये मत कहना कि मैं लड़की हूं, किसी को ये मत कहना कि मैं औरत है, उसको बताना मेरा ये नाम है। मेरा उन तमाम बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए ये पैगाम है कि बेटे कभी भी ये बात नहीं करनी, क्या औरत होना गुनाह है। मैं मुहम्मद अली बाबा से हूँ, मेरी एक बहन है जिसका गजाला नाम है, तो मैं गजाला पैदा हो जाती, मेरा कोई कमाल है इसमें कि मैं औरत होने को मैं कोई को मैं उसको कोई सेकंड ग्रेड की सिटीजन अपने आप को समझ लू कि मैं मर्दों के सामने जाऊं तो वो मुझे समझे कि मैं औरत हूं। नहीं, आप अपने आप को बेटे सही तरीके से कैरी करना समझे इस माशरे में। और मैं बहुत खुश हूं कि अल्लाह के फजल से इस साल जो है 34% जो है वो तकरीबन जो है वो लड़कियां वो आई हैं। मेरी दुआ है कि इस कौम की बेटियां और तादाद में आए, ताकि इस माशरे में जो जो पॉपुलेशन के हवाले से मसाइल हैं, जो उनकी जिंदगी के चॉइसेस के बारे में मसाइल हैं, जो उनकी तालीम के डिसीजंस के बारे में मसाइल हैं, कि वो एक पब्लिक ओपिनियन को मोबालाइज करें। बेटे जो चित्राल से मेरी एक बेटी आई है, देखिए ये बच्ची जब वहाँ से बात करेगी तो बहुत सी चित्राली बच्चियाँ जो है वो इंस्पायर होंगी। जब मेरी बेटी सवाबी के गाँव से है, जब वहाँ से बच्चियाँ दिखेंगी और दूर दराज इलाकों से, तो मैं कहता हूँ ये सही पाकिस्तान जो है तब तरक्की करेगा। जिस मुल्क में बच्चियाँ बच्चियों की एम्पावरमेंट नहीं होगी तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि वालिदैन की जो है वो जो है अपने एक जो उनकी इमोशनल मैनेजमेंट बेटे आपने करनी है, कि वालदैन जो है ना अब उनकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है आपसे, तो उनकी इमोशनल मैनेजमेंट और आगे सफ़र जो है बहुत लंबा है। जिस तरह शाज ने मोटिवेशन की बात की और किसी ने मंजिल की बात भी की, बेटे हम सारे बात तो करते हैं, अपनी पावर्स की बात करते हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात नहीं करते। आपको पता है आपकी से लोगों की तवक्को कितनी बढ़ गई है, आप मुझे बताइए ईमानदारी से। आज से एक महीने पहले जब ये रिजल्ट नहीं निकला था तो आपके आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू को गलत ना समझे लोग, शायद आपकी आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन आज आप अकल का खजाना है, आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत वाकेदार हैं, ये मतलब का माशरा है। बेटे उस आदमी को पहचान लें जो गरज के लिए आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है, गरज के लिए उसको रिजेक्ट कर दें, वो कोई भी हो रिजेक्ट कर दें, उसके साथ हो जाए, उसका साथ दें, उसके साथ कंधा मिलाएं जो आपको एक नॉलेज करता है मोहब्बत क्या है, जो आपके वजूद का इकरार कर ले, जो बेटे आपके वजूद का इकरार करता है वो माँ है, वो बहन है, जिस तरह एक बच्ची उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड है, जो जो भी है वो आपका बाप है, वो भाई है, जो आपके वजूद का इकरार करते हैं कि ये अच्छी इंसान है, बस उसके साथ एसोसिएट हो जाए, उसको खफा न करे जिंदगी में। और किसने पैदा की है, रब ने पैदा की है, सबसे पहले रब के वो जो मामलात हैं उसके साथ हम जो है एसोसिएट हो जाए, कि खुदा ने हमें सेलेक्ट कर लिया। मेरे जैसे बाहर बहुत से लोग जो है वो फ्रूट बेच रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला को कोई बात पसंद आ गई और मोहम्मद अली बाबा खैर जो है वो आपके सामने खड़े हैं, अदरवाइज मैं भी शायद वो फ्रूट बेच रहा हूँ। बेटे इसका शुक्रगुजारी करें, सिर्फ दिखावे की शुक्रगुजारी ना करें। मैं 25 साल के अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये कह रहा हूँ, ब्रिटिश सिविल सर्विस पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो गई है, इसके लिए अपनी बेल्टें कस ली, इसके लिए स्टेमिना बनाए कि कैसे आपने मुकाबला करना है। अगर आप ये समझ रहे कि आपने जाके उनके साथ मिल जाना है तो वो तो तैयार बैठे आपको रिसीव करने के लिए, तो उनमें आप भी ऐड हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, आप बोझ है। प्लीज डोंट बी अ लायबिलिटी, यू आर आवर एसेट टुडे, यू आर ऑल एसेट। मैं इस बात का इख्तिताम करूंगा इस बात पे, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। मेरे कमांडेंट थे मोहम्मद अजीज खान, फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुए, कमांडेंट थे आईजी खैबर पख्तूनख्वा से मोहम्मद अजीज खान, इंतहाई अच्छे इंसान, उनके वालिद ब्यूरोक्रेट, खुद ब्यूरोक्रेट। उन्होंने एकेडमी में एक बात हमें कही थी, we were
19 एल अकेडमी, 3 फोर्थ हो गए, हमारी इतनी खतरनाक, हमारा इतना बस नहीं है। मैंने कहा इनको कंट्रोल करो, इसको बताओ इनको कि भाई तुम्हारी ये लिमिट हो, तुम्हारी लिमिट ये है। जिसको ये पता लग गया कि हमारी बेटे सिविल सर्विस की क्या तनख्वाह हो, क्या 17 ग्रेड के आदमी की क्या तनख्वाह होगी या 22 ग्रेड के आदमी की क्या तनख्वाह होगी। बेटे ये बहुत मुश्किल काम है, आपने इंतहाई मुश्किल काम चुने, लोग आपके पीछे लग जाएंगे, लोग आपको मॉनिटर करेंगे कि आप क्या करते हैं क्या करते हैं। आपके पहुंचने से पहले लोगों को पता होगा कि मैडम क्या करती हैं और साहब क्या करते हैं। सडल साहब हमारे आईजी थे बलूचिस्तान में, तो मैं लोगों को कहता था उनके ईमानदारी के हवाले से कि सडल साहब ऐसा पुलिस का चेयरमैन है जिसको ये भी पता है कि फलां के घर में फ्रिज में क्या चीज मौजूद है और खाता क्या है। बेटे मुश्किल काम आपने, मुश्किल फैसला किए, अल्लाह ताला हमें इस्तेकामत दे कि हम जो है वो इसको कैरी ऑन करें। तो मैं अगेन वंस अगेन आतिफ साहब और ये जो जितनी हमारी फैकल्टी है, जितने मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, यकीन करें इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन बच्चों की कामयाबियों में। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आतिफ साहब और तमाम जो फैकल्टी के हमारे एसोसिएट्स हैं और जितना स्टाफ है जो वहाँ पे बैठा हुआ है हमारे साथ, तो इन सब का जो है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम दो ईदें नहीं मनाते हैं, हम तीन ईदें मनाते हैं, एक छोटी ईद है, एक बड़ी, और एक ये CSS के कामयाबी वाले दिन। आज मेरी तीसरी भी, आज मेरी चौथी ईद है कि बख्तावर को भी अंदर ने पास कर दिया, तो इस साल मैंने 4 ईदें मनाई हैं। थैंक यू वेरी मच। एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी, नोआ के साथ 9th पोजीशन का पुराना ताल्लुक है, इस बार भी CSS